हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज की ये वीडियो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को लेकर के है और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे एक्सेस के अंदर हम एसक्यूएल व्यू में जाकर के यानी एसक्यूएल की कोडिंग करेंगे। और मैंने आपको असेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट करना सिखाया था जिसके लिए हम ऑर्डर बाई का यूज करते थे, शायद आपको याद होगा। लेकिन डिसेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट करना हुआ तो क्या करेंगे, ठीक है। तो आइए इसको देखते हैं। तो यहां से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का 2021 है हमारे पास, इसको ओपन कर लेते हैं। और यहां पर एक डेटा भी हमारे पास है, ये देख सकते हैं, यही वही पुराना डेटा है। तो यहां पर इसी को हम इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, एक क्वेरी बनाएंगे, क्रिएट पे जाके क्वेरी डिजाइन पे जाएंगे और यहां से एसक्यूएल पर चले चलेंगे। और यहां पर देखिए सेलेक्ट लिखा हुआ है, इस सेलेक्ट को हटा देंगे अभी, ठीक है। हम इस जो क्वेरी यहां पर, ये जो टेबल बनी हुई है, इसको क्लोज करेंगे। और क्लोज करके यहां पर आएंगे तो यहां पर अब हम खुद से लिखते हैं, टाइप करते हैं सेलेक्ट, ठीक है। तो यहां पर आपको सेलेक्ट टाइप कर लेना है इस तरीके से जैसे मैं टाइप कर रहा हूं, तो ये हो गया सेलेक्ट, ठीक है। और यहां पर कॉलम का नेम देना है, तो जरा सोचिए हमारे कॉलम का क्या नाम है, हम किसके बेस पे शॉर्ट करना चाहते हैं। तो यहां पर आप जब टेबल को देखेंगे तो यहां पर आपको टेबल में नजर आएगा नेम ऑफ प्रोडक्ट, प्राइस है, क्वांटिटी है, टोटल है, डिस्काउंट है, इतनी सारी चीजें हैं। किसके बेस पर शॉर्टिंग करनी है, सपोज कीजिए प्राइस के बेस पे करनी है, आप प्राइस के बेस पे कर सकते हैं। नेम ऑफ प्रोडक्ट के बेस पे करनी है, नेम ऑफ प्रोडक्ट के बेस पे कर सकते हैं। क्वांटिटी के बेस पे करनी है, क्वांटिटी के बेस पे कर सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल हम नेम ऑफ प्रोडक्ट के बेस पे शॉर्टिंग करने जा रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर आएंगे और सेलेक्ट लिखने के बाद कॉलम का नेम देंगे। तो यहाँ पे कॉलम का नेम नेम अंडरस्कोर ऑफ अंडरस्कोर प्रोडक्ट, तो जो कॉलम का नेम है वो नेम आप दे दीजिए, ठीक है। और दे देने के बाद क्या करना है आपको, जैसे ही कॉलम का नेम देंगे तो यहां पर दे दीजिएगा कि ये कहां से आ रहा है। तो फ्रॉम डिस्काउंट टी नाम का टेबल है, डिस्काउंट टी, ये कर दिया हमने। और ये करने के बाद यहां पर क्या करना है, जैसे यहां पर डिस्काउंट टी देंगे यानी ये हमारी टेबल है, एंटर करके नीचे आएंगे और यहां पर लिखते थे हम ऑर्डर बाई, ये लिखते थे ना ऑर्डर बाई, इस तरीके से लिख देते थे। अब मान लीजिए यहां पर हमें नेम ऑफ प्रोडक्ट को ही शॉर्ट करना है और यहाँ पे कॉलम का नेम आता था, तो यहाँ पर हम नेम ऑफ प्रोडक्ट ही हमने केवल लिया हुआ है। अगर हम यहाँ पर कॉमा देकर के कुछ और भी कर देते हैं, जैसे मान लीजिए इसके बाद प्राइस कर देते हैं, इसके बाद क्वांटिटी कर देते हैं, तो वो भी चीजें इसमें आती चली जाएंगी, इंक्लूड होती चली जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए डिस्काउंट वाले कॉलम में क्या क्या है, नेम ऑफ प्रोडक्ट है, फिर यहाँ प्राइस है, क्वांटिटी है और टोटल भी है। तो आप टोटल को भी ले सकते हैं, लेकिन टोटल तो हमने उसके लिए क्वेरी बनाई थी, तो टोटल को नहीं लेते हैं हम, केवल यहीं तक लेंगे, ठीक है, यानी क्वांटिटी तक ही लेंगे। और ये डिस्काउंट टी नाम का जो टेबल है वहां से ही आएगा। और कॉलम कौन सा है, तो नेम ऑफ प्रोडक्ट नाम का कॉलम है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं नेम अंडरस्कोर ऑफ अंडरस्कोर प्रोडक्ट, पी आर ओ डी यू सी टी, नेम ऑफ प्रोडक्ट हो गया, ठीक है। ये जब हो जाएगा तो आपको क्या करना है, यहाँ पे डी ई एस सी चलाना है, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट करेगा। DESC क्या करेगा, डिसेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट करेगा, और डिसेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट करेगा तो यहाँ पे सेमी कॉलन लगा देना है। और ये पुरानी टेबल जो हमने बनाई थी, टेबल जिस टेबल से हमने ये सारा डेटा फेच कराया है और ये डिसेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट करने जा रहे हैं जिस टेबल के कंटेंट को, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए एक काम कर सकते हैं कि यहाँ पे DESC लिखेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। शॉर्ट करना है तो इसके लिए DESC लिख करके अब इसको चलाना है, तो यहाँ से क्वेरी डिजाइन पे जाके यहाँ से रन वाला, ये देखिए ये रन का बटन यहाँ पर आपको मिल जाता है। यहाँ पर मैं माउस का कर्सर भी लेके जा रहा हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये रन का बटन भी आपको दिख रहा है, क्लिक करिएगा तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में हो जाएगा, ठीक है। बट एक सवाल और कि क्या यहाँ पर ये तो मैंने नेम ऑफ प्रोडक्ट के बेस पे शॉर्ट किया, ठीक है, क्या यहाँ पर और भी चीजों को, जैसे कुछ चीजें हैं, जैसे मान लीजिए प्राइस है, पी आर आई सी ई प्राइस, तो प्राइस को शॉर्ट किया जा सकता है, उसको भी चेक करना जरूरी है। तो यहां पर चेक कर लेते हैं, यहां पर क्लिक करेंगे तो प्राइस भी शॉर्ट हो जाएगा। तो देखिए सबसे ज्यादा, फिर उससे कम, डिसेंडिंग ऑर्डर में हुआ है ये, असेंडिंग ऑर्डर में नहीं हुआ है, ध्यान दीजिएगा, फिर उससे कम, फिर उससे कम। अगर असेंडिंग ऑर्डर में करना है तो क्या करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में करना है तो वो भी हो जाएगा। आप यहां पर ऑर्डर बाय लिख के डायरेक्ट प्राइस दे सकते हैं, ये देखिए यहां पर आप कुछ भी नहीं देंगे तो इसका मतलब ये असेंडिंग ऑर्डर ही समझेगा, और यहां पर जब इसको चलाएंगे तो ये असेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट करेगा। तो देखिए ये प्राइस जो है अब असेंडिंग ऑर्डर में आ गई है, ऐसा नहीं है कि ये प्राइस चेंज हो गया है, बल्कि सारा डेटा ही चेंज हो गया है। मैं आपको दिखा भी देता हूं, देखिए कीबोर्ड की प्राइस 350 रुपए है और यहां पर आंसर क्या आ रहा है, 350 ही तो आ रहा है, तो उसी के अकॉर्डिंग क्वांटिटी भी चेंज हो गई है। तो ये बहुत आसान है, ईजी है, ठीक है। कई बार क्या होता है कि असेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट करने के लिए हम एक काम और करते हैं, क्या करते हैं, यहां पर हम ASC लिखते हैं, ये भी एक कीवर्ड है ASC, असेंडिंग ऑर्डर का, ठीक है।
तो अगर ऐसा लिखेंगे तो ये असेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट करेगा। तो देखिए ये असेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट कर रहा है, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर यानी सबसे कम आएगा, फिर उससे ज्यादा आएगा, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, फिर सबसे ज्यादा। इसको आप क्वांटिटी के बेस पे भी कर सकते हैं। तो क्वांटिटी के बेस पे करेंगे तो कैसे होगा, तो यहां पर जाएंगे और यहां पर क्या लिख देंगे, प्राइस की जगह लिख देंगे QTY। क्या लिख देंगे, QTY। ये क्वांटिटी हो गया। और क्वांटिटी लिख करके और इसको चलाएंगे, यानी यहां से जाएंगे और क्वेरी डिजाइन पे जाके यहां से रन पे क्लिक करेंगे, तो ये क्वांटिटी के बेस पे शॉर्ट हो जाएगा। अलग अलग तरीके से शॉर्टिंग मैंने आपको सिखाई। उम्मीद करता हूं कि आपको ये बात समझ में आई होगी कि ये शॉर्टिंग कैसे कैसे करनी है। इसीलिए कोई भी टेबल हो, ये काम आप बहुत ही आसानी के साथ कर सकते हैं। ये तो एक क्वेरी रही, इसको मैं क्वेरी टू के नाम से सेव कर देता हूँ। अगर आपके पास कोई और टेबल है, जैसे मैं यहाँ पर टेबल बना के दिखाता हूँ, क्रिएट पे जाके यहाँ से टेबल पे जाके और फिर यहाँ व्यू पे जाके और यहाँ पर टेबल वन नाम आ रहा है, मैं इसे नाम चेंज कर देता हूँ, स्टूडेंट टेबल कर देता हूँ, स्टूडेंट टी कर देता हूँ, स्टूडेंट टेबल, ठीक है। तो ये स्टूडेंट टेबल हो गया, यहाँ पर स्टूडेंट की आईडी आएगी, यहाँ पर स्टूडेंट का नेम आएगा, ठीक है। नेम जो है एक टेक्स्ट डेटा टाइप होगा। यहाँ पे देखिए ये बहुत सारे डेटा टाइप आपको नजर आएंगे। देखिए ये टेक्स्ट है, ये लॉन्ग टेक्स्ट है, शॉर्ट टेक्स्ट है, ये नंबर है, ये लार्ज नंबर है, ये डेट एंड टाइम है, डेट एंड टाइम एक्सटेंडेड है, करेंसी है, ऑटो नंबर है, तो बहुत सारी डेटा टाइप है, ठीक है। और इसके बेस पे भी आप ये काम कर सकते हैं, ठीक है। चाहे कोई भी बेस हो, आसानी के साथ ये काम किया जा सकता है, ठीक है। अब मान लीजिए स्टूडेंट की सिटी है, तो ये सिटी लिख दिया हमने, और सिटी भी कौन सी डेटा टाइप होगी, शॉर्ट टेक्स्ट ही होगी, ठीक है। अगर स्टेट की बात करें तो ये स्टेट लिख दिया हमने, स्टेट कौन सा डेटा टाइप होगा, तो स्टेट जो है इसे हम रखेंगे यहाँ पे। देखिए लुकअप विजर्ड आएगा, यहाँ पे जाएंगे ना तो ये डेटा टाइप पर, तो यहाँ नीचे आपको लुकअप विजर्ड मिल जाएगा। तो लुकअप विजर्ड से आप क्या कर सकते हैं, ड्रॉप डाउन बना सकते हैं। तो यहाँ पर जाकर के और यहाँ पर यूपी लिख दिया हमने, ठीक है, यहाँ पर एमपी लिख दिया हमने, यहाँ पर दिल्ली लिख दिया हमने, तो ये ड्रॉप डाउन भी बना सकते हैं आप बहुत ही इजिली, ठीक है, हो गया। अब यहाँ पे व्यू पे क्लिक करते हैं और व्यू पे क्लिक करके इसमें कुछ डेटा फिल करते हैं, जैसे राम श्याम कुछ भी ऐसे डेटा फिल कर लेते हैं। सिटी का नाम मान लीजिए देवरिया कर देते हैं, ठीक है, और स्टेट का नाम यूपी हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर गौरव लिखते हैं और इनके जो सिटी का नाम है वो हो जाएगा नोएडा, नोएडा, ठीक है। और यहाँ पर स्पेलिंग सही कर लेते हैं, ये हो गया। और ये भी कहाँ है, ये भी है यूपी में ही, ठीक है। और यहाँ पर जो है एक और नाम मनोज लिख देते हैं और ये दिल्ली के रहने वाले हैं, डी ई एल एच आई, ये हो गया दिल्ली। और यहाँ पे आप दिल्ली ले सकते हैं, ठीक है, तो ये दिल्ली ले लिया। ये जो है यहाँ पे राकेश हैं, ये मैहर के रहने वाले हैं, एम ए आई एच ए आर, मैहर, तो ये मैहर हो गया। और यहाँ पर अब जब आप आएंगे तो ये एमपी का है, तो ये एमपी आ गया। अब इसको भी देखिए, स्टूडेंट टी नाम है ना, इसको भी हमें शॉर्ट करना है, तो कैसे करेंगे, तो ये क्रिएट पे जाएंगे, क्वेरी डिजाइन पे जाएंगे और क्वेरी डिजाइन पे जाके यहाँ पे एसक्यूएल पर आएंगे, सेलेक्ट लिखा रहेगा, यहाँ से आपको क्या करना है, उन चीजों को सेलेक्ट करना है जिनको जिनको कि आप लेना चाहते हैं, ठीक है। जैसे सपोज कीजिए हम क्या लेना चाहते हैं, यहाँ पर हम लेना चाहते हैं कॉलम का नेम, तो वो कॉलम का नेम क्या क्या होगा, तो एक तो हो जाएगा नेम, एन ए एम ई नेम हो गया, कॉमा देंगे, और नेम के बाद यहाँ पर आप देख लीजिए कि कौन कौन से कॉलम का नेम चाहिए, सिटी चाहिए या स्टेट चाहिए। अगर हमें दोनों चाहिए तो दोनों ही ले सकते हैं, तो यहाँ पे हम सिटी कर देते हैं, सिटी हो गया, और देन कॉमा लगाएंगे, कॉमा नहीं लगाएंगे बल्कि ऐसे ही रहने देते हैं क्योंकि स्टेट को हमें नहीं लेना, हम सिटी को ही ले लेते हैं। और यहाँ पर ये कौन से टेबल से आएगा, तो फ्रॉम, ये टेबल है स्टूडेंट टी, एस टी यू डी ई एन टी, स्टूडेंट टी, ये हो गया स्टूडेंट टी। और स्टूडेंट टी देने के बाद क्या करना है आपको, एंटर कर देना है, ठीक है। एंटर करके नीचे आएंगे, यहाँ लिख दीजिएगा ऑर्डर बाय, ये ऑर्डर बाय लिख दिया, ऑर्डर बाय लिख करके कॉलम का नेम दे दीजिए, जैसे हम कर देते हैं यहाँ पे सिटी, सी आई टी वाई, ठीक है। और सिटी लिख करके क्या करना है, यहाँ पर टर्मिनेट कर देना है। अब इस टेबल को क्लोज करके इसको रन करा देना है। तो देखिए टेबल चाहे जो भी हो, आप आसानी के साथ ये शॉर्टिंग करा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर दो चीजें, आपको सिटी का नेम और जो स्टूडेंट है उसका नेम भी यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। अगर आप इसमें ऐड करना चाहते हैं कि इसमें स्टेट का नेम भी ऐड कर दिया जाए, तो आप यहाँ ऐड कर सकते हैं एस टी ए टी ई स्टेट, तो इसमें स्टेट भी आपको शो होगा, ठीक है। यहाँ पे रन कराएंगे तो देखिए अब स्टेट भी शो हो रहा है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर सारी चीजें, सारी डिटेल आपको शो हो रही है। उम्मीद करता हूँ कि पूरी की पूरी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा, और साथ ही साथ कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।